हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। इसी के साथ साथ हम देश और दुनिया के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश भी करते हैं। आज मैं इसी कड़ी में आपके लिए लेकर आया हूं अपने सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई एक बेहद ही डरावनी सच्ची भूतिया घटना। इसे सुनकर मुझे भी यार थोड़ा सा डर लगा था, इसीलिए मैं ये कहानी आपको बताना चाहता हूं। मोहित जी जो कोलकाता में रहते हैं, वो ग्रेजुएशन के लिए एक कॉलेज में पढ़ रहे थे। क्योंकि वो अपने गांव से आए थे तो यहाँ पर उन्हें किराए के लिए एक मकान चाहिए था। उन्होंने यहाँ पर ढूंढना शुरू किया तो पता चला भाई बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ता है, और इतना ज़्यादा किराया वो दे नहीं सकता था। पहले पहले तो वो अकेला अपने लिए घर ढूंढना चाहता था, एक कमरा मिल जाए, एक किचन मिल जाए, एक बाथरूम मिल जाए, वहीं पर वो 3 साल निकाल लेगा। लेकिन भाई यहाँ पर इतने महंगे महंगे घर, एक कमरा भी पेइंग गेस्ट का इतना ज़्यादा खर्चा था कि वो दे नहीं सकता था। तो उसने मन बनाया कि अपने कुछ दोस्तों के साथ कमरा शेयर कर लूँगा, इस तरह खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी घर उसे मिल ही नहीं रहा था। तो शहर के बाहर किसी ने उसे बताया एक घर है और वो तुझे सस्ते में मिल जाएगा। मोहित ने अपने 2 दोस्तों को भी साथ ले लिया था, क्योंकि अब उसके मन में एक प्लान आ गया था कि भाई 2 दोस्त मेरे साथ रहेंगे, कमरा थोड़ा बड़ा होगा तो इकट्ठे रह लेंगे, खर्च काफ़ी कम होगा, खाने का होगा, कमरे का तो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा ना, पैसे बच जाएंगे। तो ये दिमाग उसने लगा लिया था। और जब वो उस घर में पहुंचा, वो 3 मंजिला घर था और नीचे का फ्लोर उन्हें दिया जाना था। उसने पूछा कि ये घर तो खाली पड़ा है, तो क्या अकेले में हम 3ों फ्लोर ले सकते हैं या अपने और दोस्तों को बुला सकते हैं? तो मकान मालिक ने कहा कि नहीं, नीचे वाला फ्लोर ही देना है, ऊपर वाला फ्लोर किसी को नहीं देना है। वहाँ पर ताले भी नहीं लगाए हैं, लेकिन वहाँ कोई रहना नहीं चाहिए, वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता। इसके बारे में ज़्यादा उसने कुछ बताया नहीं, लेकिन मोहित ने जब आसपास थोड़ा पूछा तो किसी ने कहा भाई ये घर हॉन्टेड है, कोई यहाँ रहना नहीं चाहता। अब जो मोहित है उसे भूत प्रेत से बिल्कुल डर नहीं लगता था। उसका मानना था भाई भूत प्रेत नुकसान नहीं पहुँचाते, उनके पास ऐसी शक्ति नहीं होती, थोड़ा सा सामान गिराते हैं, कुछ करते नहीं हैं। और पहले भी उसका सामना कुछ भूतों से हो चुका था। गांव में उसने ऐसे घर देखे थे जहां पर भूत रहते थे, वो पूरी रात बिताकर वहां पर आ गया था। तो उसके मन में था भाई भूत कुछ नहीं करते, हमारा डर ही करता है जो करता है। भूत होते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, मोहित ये मान चुका था। उसने ये बात अपने 2 दोस्तों को नहीं बताई थी, क्योंकि वो 2 दोस्त भूतों से डरते थे, और अगर उन्हें पता चल जाता कि ये हॉन्टेड घर है तो वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहते। अब मोहित ने अपने दोस्तों से ये बात छिपा दी थी। नीचे वाला फ्लोर उसे मिल गया था, काफ़ी सस्ते में मिल गया था, जिसमें 2 कमरे थे, 2 बाथरूम थे, 1 किचन था, और उनका काम बड़े आराम से चलता। मोहित ने 1 कमरा ले लिया था, और बाकी 2 दोस्त कभी दूसरे कमरे में होते तो कभी एक साथ एक कमरे में ही सो जाते। उन्होंने 2-3 बेड लगा लिए थे और इसी तरह उनका काम चलने लगा था। मोहित के दोस्तों ने पूछा तो था इतना सस्ता घर कैसे मिल गया, ये कॉलेज से ज़्यादा दूर भी नहीं है, हमारे लिए अच्छा है। लेकिन मोहित ने बता दिया कि उसके जान पहचान वाला है, हम यहाँ पर रहेंगे, ठीक चलेगा हमारा काम, और 2 दोस्त भी वहाँ रहने लगे। 3री रात थी ये, रात को छत से आवाज़ें आने लगी। मोहित के दोस्तों ने कहा कि ऊपर वाले जो 2 फ्लोर हैं वहाँ पर कोई नहीं रहता, लेकिन ऐसा लग रहा था कोई किसी भारी सामान को मार रहा हो और ज़मीन पर फर्श पर मार रहा हो, जिस कारण छत पर से आवाज़ें आ रही थी, बार बार अलग से आवाज़ें, टक 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 टक, इस तरह की आवाज़ें आ रही थी, और वो काफ़ी परेशान हो गए। रात के 10 बजे तक वो आवाज़ें आती रहीं, फिर बिल्कुल शांत। अगले दिन उन्होंने मकान मालिक से पूछा कि ऐसी आवाज़ें आ रही थी, तो मकान मालिक ने कहा कि कई बार बिल्लियां ऊपर पहुंच जाती हैं, ऐसी आवाज़ करती हैं, आप जो मर्जी हो जाए ऊपर नहीं जाना, नीचे ही रहना, ऐसी आवाज़ें आती रहेंगी, वहां कुछ ना कुछ गिरता रहता है, सामान बहुत ज़्यादा पड़ा है, गिरता रहता है, आवाज़ें आती रहती हैं, और कई बार ये आवाज़ें ऊपर से नहीं आती, दूर से आती हैं और ऊपर गूंजती हैं, आपको लगेगा ऊपर से आ रही हैं। अब मोहित के 2 दोस्त तो थोड़ा डर गए थे और उन्हें पता था ऊपर नहीं जाना है, लेकिन मोहित सोचने लगा ये बात जमी नहीं, बाहर की आवाज़ें नहीं आ सकती, बिल्ली ऐसी आवाज़ें नहीं करती। उसकी अगली रात फिर से वैसी आवाज़ें आने लगी थी। अब मोहित ने देखा कि भाई ये आवाज़ें पहली रात जैसी ही हैं, जैसे खास पैटर्न फॉलो हो रहा हो।
वैसी ही आवाज़ें, बिल्कुल। अब उसके बाद उसकी अगली रात भी वैसी ही पैटर्न की आवाज़ें, तो ये वो समझ गया था ऊपर कोई ना कोई है इस तरह से आवाज़ कर रहा है। उसे समझ में आया ये कोई मॉर्स कोड है, वो कोड होते हैं ना जो बीप बीप के साथ समझे जाते हैं। उसके पास वो बुक थी, उसने डीकोड करने की कोशिश की, भाई ये आवाज़ें कैसी हैं। डीकोड किया तो इसका मतलब था हेल्प मी, बार बार हेल्प मी रिपीट हो रहा था। मोहित जान गया था जो ऊपर है उसे मदद चाहिए। उसने अपने दोस्तों को बताया क्योंकि ये आवाज़ अंधेरा होने के बाद शुरू होती। वो तो डर गए, भाई हम ऊपर नहीं जाएंगे, मकान मालिक ने कहा है ऊपर नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे। और शायद उन्हें भी थोड़ा बहुत पता लग गया था, लोगों ने कहा था हॉन्टेड जगह है, इसलिए वो चुप ही थे। लेकिन मोहित हमेशा से इसी तरह भूतों के पास जाना पसंद करता था, वो डरता था ही नहीं। उसने सोचा ऊपर कोई ना कोई तो है, छिप कर रह रहा होगा, मैं जाकर देख कर आता हूँ। तो वो अकेला ही ऊपर चल पड़ा। सीढ़ियाँ चढ़कर वो ऊपर वाले फ्लोर में गया। ऊपर वाला फ्लोर बिल्कुल डिक्टो था नीचे वाले फ्लोर की तरह। उसे पता था कौन से कमरे में जाना है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। और ऊपर पहुँचा, जहाँ से आवाज़ आ रही है वो वहीं पर गया। वहाँ पर उसे बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आई। वो देखने लगा, भाई 10 बजे तक ऐसी टक टक की आवाज़ें आती हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही। वहाँ पूरे दरवाजे खुले थे, कोई सामान नहीं था। अगर बिल्ली वहाँ थी तो वो सामान गिराती, यहाँ तो सामान ही मौजूद नहीं था। अब मोहित को लगा यहाँ पर कुछ तो है। उसके बाद उसने देखा दीवार पर एक परछाई सी बन रही थी, खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, दीवार पर परछाई बन रही थी और वहाँ पर कुछ था नहीं। वो परछाई जैसे किसी लड़की की थी। वहाँ उसने 2-3 परछाइयाँ और देखीं और उसे लगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। 1 घंटे तक वो वहीं पर रहा और महसूस करता रहा कौन से प्रेत हैं, कौन से भूत हैं जो मुझसे मदद मांग रहे हैं, लेकिन उसे और कुछ पता नहीं चल पा रहा था। दीवारों पर बस कुछ परछाइयाँ नजर आती, उसे डर तो बिल्कुल लगता ही नहीं। अब मोहित मानने लगा था शायद उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, ये कोई ऐसे भूत प्रेत हैं जो बस आवाज़ करते हैं हेल्प मी जब कोई ऊपर आता है, तो कुछ करते नहीं या डराने के लिए परछाइयाँ दिखाएंगे। मुझे इससे डर नहीं लगने वाला, ऐसे परछाइयाँ मैं बहुत बार देख चुका हूँ, प्रेतों को महसूस कर चुका हूँ। लेकिन तभी जब वो फर्स्ट फ्लोर पर था ना, ऊपर वाले फ्लोर से भी आवाज़ आने लगी, वैसी ही आवाज़, टक 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 टक। अब काफ़ी देर तक वैसी आवाज़ आती रही और उसने वो रिपीटेड आवाज़ को याद कर लिया कि भाई ये कुछ अलग आवाज़ है, वैसी आवाज़ नहीं है जो नीचे से आ रही थी, ये कुछ अलग आवाज़ है। वो आवाज़ काफ़ी देर सुनता रहा लेकिन ऊपर वाले फ्लोर में नहीं गया। वो समझना चाहता था आवाज़ का मतलब क्या है। उसे पता था ये मॉर्स कोड है, वैसा ही कोड जो टिक टिक से समझाया जा रहा है। वो नीचे आया, सो गया। उस रात उसका मन नहीं था, नींद काफ़ी ज़्यादा चढ़ गई थी स्टडी के कारण। अगली मॉर्निंग वो फिर से कॉलेज गए, शाम को वापस आए, किताब खोली, सबसे पहले तो डिकोड करने के लिए उसने उन आवाज़ों को समझा। वो उस बुक को अपनी जेब में डालकर ले गया और ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंच गया। वैसी ही आवाज़ आती गई, उसने मार्किंग की, वो अपने साथ टॉर्च ले गया था और बुक में मार्किंग करके नीचे आ गया। नीचे आकर जब उसने पढ़ा कि वो टिक टिक की आवाज़ से क्या पता चल रहा था, तो वो हैरान हो गया। ऊपर से जो आवाज़ आ रही थी उसमें बताया जा रहा था हमें यहाँ से निकालो, हमें यहाँ से बाहर निकालो, बार बार रिपीटेड शब्द। अब वो नीचे डिकोड तो कर चुका था, यहाँ पर आवाज़ें आ रही थी हेल्प मी की जो ऊपर वाले फ्लोर से आ रही थी। अब फर्स्ट फ्लोर से हेल्प मी की आवाज़ें, सेकेंड फ्लोर से हमें बाहर निकालो। अब हिम्मत उसने बना ली कि भाई सेकंड फ्लोर पर भी जाना है, सेकंड फ्लोर पर जाकर देखूंगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन जैसे ही वो सेकंड फ्लोर की तरफ जाने लगा था, उसका ध्यान पड़ा, भाई हमारी जो बिल्डिंग है 3 मंजिला बिल्डिंग, इसके बाहर भी इसे कुछ नज़र आया, कोई लड़की खड़ी है। तो उसने सोचा बाहर यहाँ अंदर तक कौन आ गया है। तो वो बाहर गया तो वो लड़की गायब, उसे एक कोने में लड़की नजर आने लगी। वो लड़की वहां से हिली नहीं थी, उसके सामने से गायब हो गई। वो वहां गया तो वहां से गायब, यानी कि इस तरह परछाई सी बन रही थी लड़की की, धुंधली सी, कि वो पास जाता वो गायब हो जाती। उसे ये पता लग गया था कि भाई हॉन्टेड बिल्डिंग सच में है, फर्स्ट फ्लोर से आवाजें आ रही हैं, परछाइयां नजर आ रही हैं, नीचे भी एक लड़की है। और जब वो वापस आने लगा तो वही लड़की उसे फिर से बाहर नजर आई, लेकिन इस बार लेटी हुई।
उसके ऊपर से खून निकल रहा था, शरीर से बहुत ज़्यादा खून। अब ये उसके समझ में नहीं आया कि पहली बार तो ये लड़की खड़ी थी, फिर बाहर जाकर देखने गया तो कहीं और नज़र आ रही थी, अब मैं ऊपर जाने वाला हूँ तो ये नीचे लेटी हुई है, इससे खून निकल रहा है ये भूत ही, लेकिन ये दिखाना चाहती है कुछ। उस दिन मोहित ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो सेकंड फ्लोर की तरफ चल पड़ा। अब सेकंड फ्लोर भी कॉपी था नीचे वाले फ्लोर की तरह, दो कमरे, दो बाथरूम, एक किचन और बिल्कुल वैसा ही। उसे पता था आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब दूसरे फ्लोर में जब उस कमरे में मोहित पहुंचा तो वहां पर दीवारों से पेंट उखड़ा हुआ था, काले रंग के निशान थे वहां पर, जैसे किसी ने काला पेंट किया हो, पीछे कुछ होगा जिसे छिपाने के लिए काले रंग का पेंट किया हुआ था। हर जगह ऐसा ही, कई जगह पेंट सही था, कई जगह पर काला पेंट किया हुआ था, ऐसा जैसे कुछ छिपाया गया हो। वहां पर उसे कोई काली परछाई नजर नहीं आ रही थी, कुछ भी डरावना नहीं लग रहा था। अचानक उसका दम सा घुटने लगा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है, कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। उसका दम घुटने लगा था, वो वहां से थोड़ा बाहर निकलना चाहता था, लेकिन इतना ज्यादा दम भी नहीं घुट रहा था कि उसे कुछ होता, लेकिन दबाव महसूस हो रहा था। उसे अपनी कलाइयों पर दबाव महसूस होने लगा, अपनी टांगों पर दबाव महसूस होने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे बांधने की कोशिश कर रहा हो, गला दबाने की कोशिश कर रहा हो। ये उसे महसूस हो रहा था कि यहाँ पर कोई बुरी शक्ति है, जो नीचे था वो बुरी शक्ति नहीं है, वो नुकसान नहीं कर रहे थे, जैसे दीवार की तरफ थे, वो मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन यहाँ से कुछ अजीब डरावनी और खौफनाक शक्ति का एहसास हुआ था उसे। वो समझ गया था यहाँ से अभी निकलना होगा, लेकिन वहाँ ऊपर छत से, क्योंकि ऊपर कोई फ्लोर नहीं था लेकिन छत थी, वहाँ से भी वैसे मॉर्स कोड की टक टक की आवाज़ें आ रही थी। अब वो जान गया था इसके ऊपर भी प्रेत हैं और इसका मतलब भी कुछ अलग है, ना तो नीचे वाले हेल्प मी की तरह वो कोड था, वो आवाज़ थी, और ना ही इस फ्लोर की वो आवाज़ें कि हमें यहाँ से बाहर निकालो की तरह, ये ऊपर के फ्लोर की आवाज़ें थी, छत से ये अलग थी। इसे याद कर लिया मोहित ने, वो यहाँ दोबारा नहीं आना चाहता था, यहाँ उसे लगा शैतानी शक्ति है, ये नुकसान कर सकती है, ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वो अब भी डरा नहीं था, उसे डर नहीं लगा था क्योंकि ये दबाव बना रही थी, लेकिन फिर भी उसके पास ताकत थी, वो वहाँ से आराम से नीचे उतर आया। उसके बाद उसने मॉर्स कोड को डिकोड किया और इसका मतलब था यहाँ मत आना। पहले तो मोहित डर गया कि अब मुझे छत पर जाना चाहिए या नहीं, साफ साफ उसका मतलब था यहां मत आना। वो वहां जाना चाहता था, उसने अपने दोस्तों को कहा कि ऐसे ऐसे फर्स्ट फ्लोर पर मुझे भूतों का एहसास हुआ, सेकंड फ्लोर पर कोई ज्यादा शक्तिशाली शक्ति थी जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तुम मेरे साथ चलो तो देख कर आएंगे छत पर क्या है। उसके दोस्त डरपोक कहने लगे कि यहां पर प्रेत है तो हम तो बिल्कुल यहां पर ऊपर नहीं जाना चाहेंगे, नीचे ही रहेंगे, इससे सस्ता घर नहीं मिलेगा, कोई प्रेत को हम परेशान नहीं करेंगे, वो हमें परेशान नहीं करेगा, इन आवाजों से हम बिल्कुल परेशान नहीं हो रहे भाई, 10 बजे तक आवाजें आती हैं, बाहर घूमेंगे अंदर आ जाया करेंगे। उन्होंने भी बताया था बाहर उन्हें एक लड़की गिरी हुई नजर आती है जिससे खून निकलता है, पास आते गायब हो जाते हैं। वो डरने लगे थे इस घर में, लेकिन इससे सस्ता घर उन्हें मिलने वाला नहीं था, इसलिए मोहित ने कहानियां बना दी कि यहां पर एक अच्छी आत्मा थी, कोई मारा था, उसकी आत्मा नजर आती है, नुकसान नहीं पहुंचाती, उन्हें वहां मना रखा था। अब वो मोहित के साथ तो आने वाले नहीं थे, मोहित को ऊपर जाना तो अकेले ही था। अब मोहित को डर लग रहा था कि ऊपर मत आना इसका मतलब क्या है। अगले दिन रविवार का दिन था, कॉलेज से छुट्टी थी, तो रात को ही आवाजें आती और ऊपर जाकर वो चेक कर सकता था, दिन के वक्त तो उसका मन ही नहीं था। उसने सबसे पहले सोचा आस पड़ोस से पूछ तो लूं ये हॉन्टेड घर कैसा है, यहां पर क्या होता है। इससे पहले वो एक बार छत पर गया, खुली छत थी, कोई सामान नहीं था, वहां उसे कोई एहसास नहीं हुआ, वो जानता था ऐसा एहसास रात को ही होता है। एक बार उसने चेक कर लिया, थोड़ा डर कम हो गया, नीचे आया, आसपास में वो घरों में जाने लगा, लोगों से पूछने लगा, पड़ोसियों से जान पहचान बढ़ाने के लिए उनके पास जाता, बातें करता, घुमा फिरा कर बिल्डिंग की बात शुरू कर लेता और जानना चाहता यहां पर हुआ क्या है। तो लोगों ने जो बताया उसने मोहित को डरा कर रख दिया। उन्होंने कहा कि यहां पर
कई बार लड़कियां और लड़के छत से कूदकर मर जाते हैं। जो भी यहां रहने आते हैं छत पर जाते हैं, वहां से कूदते हैं और नीचे गिरकर मर जाते हैं। क्या कारण है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं, कोई समझ नहीं पाता। पुलिस का कहना है कि ये आत्महत्या ही होती है, कोई मजबूर नहीं करता, अकेले ही होते हैं वो। इसके बाद मोहित सोचने लगा कि क्यों आत्महत्या करते हैं, यहां और कोई रहस्य तो होगा। तो इसके बाद उसने सोचा कि मुझे ऊपर जाकर देखना ही चाहिए। वो डर रहा था कोई बुरी शक्ति हो सकती है, लेकिन उसका मानना था कि भूत ऊपर से गिरा नहीं सकता। वो पड़ोसियों के पास गया, एक ही तरह की कहानी सुनी। इसके बाद उसने मन बना लिया कि आज रात मैं छत पर जाकर देखूंगा। दोस्त मान नहीं रहे थे, अब उसे जाना तो अकेले ही था। तो उसने तैयारी की। रात को 8 बजे जैसे ही नीचे हेल्प मी की आवाज़ें आने लगी, वो फर्स्ट फ्लोर पर गया। वहां पर थोड़ा इंतजार किया, ऊपर से आवाज़ें आने लगी, वो सेकंड फ्लोर में गया। उसके बाद जैसे ही ऊपर से आवाज़ें आने लगी, धीरे धीरे वो छत तक पहुंच गया। वो छत पर गया, वहां उसे कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था। वो ये जानता था ये एक वार्निंग थी कि यहां मत आना, लेकिन ये वार्निंग दे कौन रहा था उसे पता नहीं था। ये अच्छी शक्ति है या बुरी शक्ति है, लेकिन जो घटनाएं हुई हैं वो बुरी हुई हैं। यहां पर वो देखता रहा, कोई एहसास नहीं। फिर उसका मन हुआ, क्यों ना इस छत के बिल्कुल सामने जाकर देखूं, जहां से लोग कूदते हैं, आखिर यहां पर क्या होता है। अब मोहित बिल्कुल कोने पर चला गया और नीचे की तरफ झांकने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि यहां से लोग कूदे हैं, क्यों लोग आत्महत्या कर लेते हैं। और तभी जैसे उसके शरीर को किसी ने जकड़ लिया। पहले तो थोड़ा सा दबाव महसूस हुआ था, लेकिन अब तो किसी ने जकड़ ही लिया था। वो हिल नहीं पा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था किसी तगड़ी शक्ति ने उसे पकड़ रखा है, और धीरे धीरे वो उसे नीचे फेंकने की कोशिश कर रही थी। वो पूरा जोर लगा रहा था, वो आत्मा, वो शैतानी आत्मा उसे छोड़ नहीं रही थी, खींचती हुई उस छत के कोने तक ले जा रही थी। यहां मोहित को लगा था कि अब शायद उसे कोई ना बचा पाए। इससे पहले मोहित को किसी आत्मा ने इस तरह से नहीं जकड़ा था कि इस तरह छत के करीब ले जाए और वहां से फेंकने की कोशिश करे। मोहित जानता था उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन उस आत्मा से वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। पूरा जोर लगा दिया उसने, वो आत्मा उसे छत के करीब ले गई। वहां से गिरना उसका तय था, लेकिन अचानक उसकी मदद के लिए उसके दोस्त और 2-3 बूढ़े आदमी वहां छत पर भागते हुए आए और उसे जैसे पकड़ लिया और खींच कर पीछे ले आए। वहां उसे खींचने में लगभग 5 लोग लगे थे और 5 ने पूरा जोर लगा दिया, बड़ी मुश्किल से खींच कर पीछे कर पाए थे। और अगर 1-2 लोग होते तो वो गिर जाता और शायद 2 लोगों को साथ में ले जाता, ऐसी तगड़ी शक्ति थी वहां पर। उसे बाद में नीचे लाया गया, बिल्कुल नीचे, और वहां पर उसको सांस चढ़ी हुई। उसे पता था वो मौत को छू कर वापिस आ गया है, बस मौत को छुआ है और वो जिंदा बच गया है, वरना मौत उसकी पक्की थी। यहां पर उसे पानी पिलाया गया, तब जाकर उसकी आवाज निकलना शुरू हुई। उसने कहा कि आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो मर जाता। आपको कैसे पता चला मैं ऊपर आया हूं? और अपने दोस्तों का भी उसने धन्यवाद किया कि तुम मेरी मदद के लिए आए हो। तो उनके दोस्तों ने बताया कि 2-3 दिन से हमें पता था तुम ऊपर जा रहे हो, हमें शक हो गया था, इसलिए पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने भूतिया कहानियां बताई तो हम डर गए। इसके बाद तुम भी पड़ोसियों से पूछ रहे थे, तो हम और ज्यादा लोगों के पास जाने लगे। कुछ बुजुर्ग जो इसका इतिहास जानते थे, जब हमें वो मिले तो उन्होंने बताया आत्महत्या जो लड़के लड़कियां करते थे वो तो बहुत बाद में शुरू हुए। तो यहां पर इसका इतिहास और भी काला है। कभी यहां पर जिसने इस मकान को बनवाया था उसका आतंक बहुत ज्यादा था। कहते हैं कि जो भी नीचे वाले फ्लोर पर रहा करता था वो उसे मार देता था। वो ऊपर बुलाता था, कुछ लड़कियों का यहाँ पर रेप हुआ था, उसके बाद उसे ऊपर तक ले जाकर ऊपर से धक्का देकर गिरा देता था, मार देता था। और यहाँ पर पुलिस भी कम आती थी। बहुत साल पहले की बात है, ये घर बहुत पुराना था। वो बुजुर्ग ही इस कहानी के बारे में जानते थे। जो नए लोग थे आसपास की, जो नए घर बने थे, बिल्डिंग्स बनी थी, उनके लोगों को ये नहीं पता था, सिर्फ बुजुर्गों को पता था, और बुजुर्ग की बात वो लोग कम ही मानते थे। इन लड़कों ने उस बुजुर्गों को ढूंढ निकाला था और आखिर मोहित को बचा ही लिया था। मोहित समझ गया
कि जो शैतानी शक्ति है हमें कमज़ोर लगती है, लेकिन जब वो खुद तक बुलाती है, ऐसी जगह ले जाती है जहाँ से वापस नहीं आया जाता, और मोहित को इसी तरह किनारे पर वो ले गए थे। ऊपर वाले फ्लोर पर वो रह रहे होंगे जिनके साथ बुरा हुआ, वो मदद मांग रहे थे। उसके ऊपर वाले जहाँ पर उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था, वहाँ पर वो कह रहे थे हमें यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पर शायद वो आत्माएं थीं जो कह रही थीं कि यहाँ मत आना, यहाँ मौत मिलेगी। लेकिन मोहित फिर भी पीछा करता हुआ वहाँ पहुँच गया। अंत में वो बच तो गया, लेकिन सबक सीख गया कि ऐसी शक्तियों से दूर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं ऐसी ही कहानियां आपके सामने लाता रहूंगा, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।